फैराडे लॉ के बारे में भी देख लिया और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस और फैराडे लॉ को जहन में रखते हुए हम अपना काम थोड़ा सा इतना मजीद आगे बढ़ाते हैं कि हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर के ऊपर इस सिचुएशन में हम एक ऐसी कॉइल लपेटेंगे जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में काफ़ी केसेस के बारे में पढ़ा है कि सोलेनॉइड कॉइल के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपेयर होती है, या सोलेनॉइड कॉइल अगर हम लोग इस केस में इस्तेमाल कर लें, लेट्स से कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है इसके ऊपर मैं एक सोलेनॉइड कॉइल इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो आया कि उस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा क्या वो वैसा ही सेल्फ इंडक्टेंस होगा जिसे हम लोगों ने सिंपल एक कंडक्टर के ऊपर एक कॉइल लपेट कर प्रोड्यूस किया था, या उससे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अपना एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के ऊपर हम जो कॉइल लपेटने जा रहे हैं वो कॉइल हमारी सोलेनॉइड है जिसे हम लोगों ने इस तरीके से इस कंडक्टर के ऊपर इस डायरेक्शन में लपेट दिया। ये जो कॉइल है हमारे पास ये सोलेनॉइड है। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम लोगों ने सर्किट से कनेक्ट करना है। लेट्स से ये हमारे पास एक स्विच एस है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई बैटरी होगी, ये हमारे पास बैटरी आ गई और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सर्किट को यहाँ से वायर लगा के हम लोगों ने जो है अपना सर्किट को कंप्लीट कर दिया और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास एक स्विच है, हमारे पास एक जो है कंडक्टर है जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर सोलेनॉइड कॉइल लपेटी हुई है, ये हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल आ गई। अब हमें जैसा कि मालूम है कि जैसे ही इस स्विच एस को मैं क्लोज कर दूं, अगर स्विच एस को क्लोज ना किया जाए तो उसकी कुछ डायरेक्शन इस किस्म की होती है, ये उसकी कुछ सिचुएशन है कि वो स्विच इस तरीके से होगा। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने सर्किट कंप्लीट करना है तो इसे जो है क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो करंट का फ्लो होगा। तो अभी हमारा जो स्विच एस है इसे हम लोगों ने क्लोज कर दिया। जैसे ही ये चीज़ क्लोज कर दी जाती है तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही कोई सर्किट कंप्लीट हो जाए और इसे आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हो, स्विच को आप जो है ऑन कर दें, तो उस सर्किट के अंदर से जो है करंट गुजरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ इस डायरेक्शन में करंट जो है कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन से फ्लो करना शुरू हो जाता है और इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है, इस तरीके से करंट जो है फ्लो करता चला जाता है और यहाँ पर इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर अपने सर्किट को जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अब तक हम ये जान चुके हैं, चूँकि हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में भी पढ़ा है और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी पढ़ा है, इन दोनों केसेस में ये बात तो वाजह थी कि प्राइमरी कॉइल, चूँकि यहाँ पर भी एक कॉइल इस्तेमाल हो रही है तो इसे हम लोग प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे हम लोग कॉइल को ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सोलेनॉइड को यूज़ कर लिया है, लेकिन है तो बेसिकली यहाँ पर एक ही कॉइल, जिसे हम लोग प्राइमरी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि हमें मालूम था कि चाहे इसके साथ एक और कॉइल रख दी जाए, एक और सोलेनॉइड की कॉइल रख दी जाए, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि अगर इस प्राइमरी सोलेनॉइड कॉइल के अंदर से पास करने वाला करंट वक्त के लिहाज से तब्दील होता है तो उसका इफेक्ट अगर कोई साथ जो कि सेकेंडरी सोलेनॉइड है तो उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से भी जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपेयर होगा। लेकिन हम सिर्फ बात इस जगह यहाँ पर हमारे पास एक ही सोलेनॉइड मौजूद है तो उसी की कर लेते हैं। अब हमें इतना मालूम है कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और जैसे कि अब तक हम लोग काफ़ी केसेस में इस बात को दोहराते आए हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हो और उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उस कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चूँकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर रही है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। वो कंडक्टर आपका एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फीचर्स भी होते हैं और मैग्नेटिक फीचर्स भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जेर असर ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं, तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर वो कंडक्टर है और उसके अंदर से करंट फ्लो करे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फीचर्स आते हैं, इस वजह से हम उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब ये करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है और हमें इतना भी मालूम है कि करंट के पैसेज की वजह से यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से अपेयर होंगी, ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएंगी। क्योंकि हमें इतना तो मालूम है ना कि ये जो हमारा कंडक्टर है इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो कोई ना कोई इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी होंगी, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और यहाँ पर इसके आसपास इसका जो रीजन है वो मैग्नेटिक रीजन होगा कि जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता है। अब हमें ये मालूम है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर ये जो हमारे पास प्राइमरी सोलेनॉइड है
इसके अंदर से करंट की जो है, करंट वक्त के लिहाज से वेरी कर रहा है। जाहिर सी बात है करंट है, स्टार्टिंग में जब हमने स्विच क्लोज नहीं किया था तो करंट जीरो था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता करंट बढ़ता चला जा रहा है, करंट की जो क्वांटिटी है वो तब्दील होती जा रही है। और किसके लिहाज से तब्दील होती है? वक्त के लिहाज से। जाहिर सी बात है जब आपने ऑन किया होगा तब तो टाइम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो वक्त के लिहाज से आपका इस कंडक्टर से पैसेज करने वाला जो आपका करंट है वो तब्दील हो रहा है। तो करंट की तब्दीली जो है इस प्राइमरी सोलेनाइड कॉइल के अंदर जो है वो चेंजिंग प्रोड्यूस करेगी, और उसकी चेंजिंग की वजह से इस जो हमारे पास यहाँ पे सोलेनाइड कॉइल रखी हुई है हमने, उसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, ये भी तब्दील होंगी, जो कि ये इंडिकेट करेंगी कि चाहे आप प्राइमरी कॉइल इस्तेमाल करें या आप सोलेनाइड कॉइल इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स तो हर हाल में जो है आपके पास प्रोड्यूस होना ही है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा केस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है स्टडी करना है या इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना नहीं है, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि सोलेनाइड कॉइल के अंदर जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस एल प्रोड्यूस होगी, आया कि क्या वो प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल की तरह ही होगी या उससे वेरी कर जाती है। क्योंकि सोलेनाइड के केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक बी है, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ी सी वेरी करती है, वो थोड़ी चेंज आती है एक सिंपल कॉइल की नस्बत, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि इंडक्शन में कोई जो है फ़र्क पड़े। इसीलिए हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को सोलेनाइड कॉइल के लिए भी मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सोलेनाइड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक आम कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी वेरी करती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये मालूम है कि ये हमारी सोलेनाइड कॉइल है, इस कॉइल की जो लेंथ है वो लेंथ जो है उसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसकी लेंथ है जो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट की, ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यहाँ पर बस स्मॉल एल लिख देते हैं, कुछ ना कुछ इस कॉइल की लेंथ होगी सोलेनाइड कॉइल की, और इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जाहिर सी बात है इतनी कॉइल यानी कितना आपका कंडक्टर था जिसके ऊपर सोलेनाइड कॉइल आई, अगर इसका एरिया ज़्यादा हो जाता तो सोलेनाइड कॉइल का भी एरिया बढ़ जाता। तो इस तरह से ए से हम लोग उसका एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल से उसकी लेंथ। सिमिलरली हमें ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि हमारे सोलेनाइड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, आया कि हमने कितनी क्वांटिटी के साथ अपने जो है कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, बेसिकली कि हम लोगों ने 6 नंबर ऑफ टर्न्स में अपने सोलेनाइड कॉइल को कंप्लीट किया इस कंडक्टर के ऊपर, या हम लोगों को 12 लेने पड़े हैं, या कितने भी ज़्यादा लिए जा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये हमारे पास जो है इस सोलेनाइड कॉइल के डिफरेंट फीचर्स के बारे में हो गया कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। यहाँ पर सोलेनाइड कॉइल की लेंथ होगी, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और सोलेनाइड कॉइल के जो है कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। अब हमें ये भी मालूम है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने क्या कहा था कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर तो वो कॉइल है या वो सोलेनाइड कॉइल है या कोई एक सिंपल ही कॉइल है, कॉपर की बनी हुई कोई भी कॉइल है, तो उस कॉइल के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। उस ईएमएफ के बारे में हमें मालूम है कि ये जो ई एम एफ है ये हमारे पास हमेशा किस जो फॉर्म है उसमें निकलती है। हमें मालूम है कि ई एम एफ किसी भी जगह इंड्यूस हो जाए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो वो जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ होता है उस वक्त हमारे पास, उसे जितने नंबर ऑफ टर्न्स के दौरान वो हो रहा है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स में वो हो रहा है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इंड्यूस होने वाली ई एम एफ आ जाती है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो ई एम एफ इंड्यूस हुई है ये अपने कॉज को अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो यहाँ पे हम दोनों लॉज को इस्तेमाल करके जो अपनी इंड्यूस ईएमएफ है उसके बारे में बता देते हैं कि हमारी इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है वो इस तरह से हमारे पास निकलेगी। लेकिन हम लोगों ने अब तक तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया हुआ है, हमें मालूम है कि अगर एक कंडक्टर हो, ये भी तो एक कंडक्टर है, और सोलेनाइड कॉइल भी एक कॉइल ही है, इसे हम प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं। तो अगर हम इसे प्राइमरी कॉइल के साथ थोड़ा सा रिलेट करें तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हमने देखा था कि जो इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बारे में हमें मालूम चला था कि ये प्रोड्यूस होने वाली जो इंड्यूस हुई है हमारे पास ईएमएफ, उसको अगर उसकी रेशो ले ली जाए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है।
या दूसरे केस में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो ईएमएफ हमारे पास क्या आती है, वो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, और इसे हम लोग जो है कॉन्स्टेंट हटा के यहाँ पे एल लगा लेते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली हमें मालूम था सेल्फ इंडक्टेंस से कि सेल्फ इंडक्टेंस में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो इस तरीके से आ जाती है। और जो फैराडे के लॉ को अगर कंसीडर करें तो उसके मुताबिक जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर मौजूद करंट की वेरिएशन से, तो वो ये हमारे पास आ जाती है। इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन बी कह देते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि है तो दोनों ईएमएफ ही, लेकिन जो है ये ईएमएफ के जो फॉर्म्स हैं ये दो डिफरेंट लॉ की वजह से हैं। एक तो हमारे पास फैराडे लॉ की वजह से आ जाती है, और दूसरी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का केस इस्तेमाल करके आ जाती है। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, चूंकि दोनों ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो मुझे इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर लेना चाहिए। अगर उसे आप इक्वेट कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो यहाँ पे मेरे पास एन आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो जो है अपने कोर्स को अपोज करेगा, कि जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो उसे अपोज करेगा कि वो उसे और मजीद प्रोड्यूस ना करे, इस वजह से नेगेटिव साइंस आता है। तो नेगेटिव साइन को हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। और अब हमारे पास जो फॉर्म है वो एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एल इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्म आ जाती है। अब दोनों चीज़ों के नीचे जो है हमारे पास डेल्टा टी है, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इक्वेशन की दोनों साइड से। अब अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई में चेंजिंग किस तरीके से आई होंगी, जाहिर सी बात है जीरो से भरते भरते ये डेल्टा फाई हुई होगी ना, तो डेल्टा फाई हुई होगी, या इस तरीके से लिख लें कि डेल्टा फाई में से जीरो माइनस कर दें। लेकिन मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये जो डेल्टा फाई है, जो मतलब चेंजिंग आई है हमारे पास फ्लक्स के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, वो शुरू ही में तो नहीं ना एकदम आ जाती, बल्कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, करंट पास करता है हमारे पास कंडक्टर से, और जैसे ही वो पास करते तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स अपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे ही करंट की तादाद घटती है तो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स मजीद बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि स्टार्टिंग में बहुत कम होती होगी, मिनिमम होती होगी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। तो मिनिमम से अगर मैक्सिमम माइनस करें तभी तो हमारे पास डेल्टा आता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डिफरेंस आया है किसी चीज़ का। अगर मैं इसे इस तरह से लिखने के बजाय इस तरह से कर दूँ डेल्टा फाई माइनस जीरो, तो फ़ायदा सिर्फ इतना सा होगा कि मैं फ्लक्स के साथ जो है माइनस साइन से बच जाऊँगी। अगर मैं फ्लक्स को बाद में लिखूंगी तो माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन से बचने के लिए सिर्फ फ्लक्स को पहले लिखा है, और इसकी कोई भी रीज़न नहीं। आप इसे जीरो से माइनस फ्लक्स भी लिख सकते हैं, और बाद में कह दीजिए कि नेगेटिव साइन को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि डेल्टा जो आई है उसके साथ भी डेल्टा लगा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि करंट जो है मिनिमम क्वांटिटी से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ आई तक गया होगा, तभी तो डेल्टा साइन आया है। क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम तो ज़्यादा नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता जीरो से शुरू होती, मिनिमम क्वांटिटी से शुरू होती होती मैक्सिमम तक जाती है। तो इसे इस तरीके से लिख लें, या आई माइनस जीरो कर लें, बात तो एक ही है, बस नेगेटिव साइन से हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि मैं डेल्टा आई को जो है सिंपली आई लिख सकती हूँ, और डेल्टा फ्लक्स को सिंपली फ्लक्स लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो अब मेरे पास जो है एन के साथ फ्लक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एल के साथ आई आ जाएगा इस तरीके से। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास ये जो चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स, चूँकि ये फ्लक्स जो है मैग्नेट की वजह से आया हमारे कंडक्टर में, अब चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू हो गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, और ये एक कोई सरफेस है, किसी सरफेस में जब भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करती हैं तो उस सरफेस का जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अगर ये लाइन जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती तो इस सरफेस में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होना था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना था, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन्स आती हैं, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपेयर होती हैं, वो मैग्नेट की होने की वजह से होती है, क्योंकि हमारा कंडक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो अब क्या होता है कि हमारा इस वक्त जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस सरफेस के अंदर वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हमें मालूम है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसका प्रोडक्ट होता है, बी इंटू ए, बी जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ए जो है हमारा यूनिट एरिया होता है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्लेस कर लूँ। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, मतलब एन ये है एज इट इज़ की, और यहाँ पर मैं जो है फ्लक्स की जगह बी इंटू ए लिख लूँ,
और यहाँ पे एल आई एज इट इज ही रह जाता है, तो अभी भी मेरे को इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मैंने एक चीज़ की वैल्यू को जो है प्लेस कर दिया है, जबकि मुझे उसकी रीज़न भी पता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा बी इंटू ए के बराबर होता है। मतलब कि आपके पास कोई भी सर्फेस है, इस सर्फेस के अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है पास कर रही है, तो उस वक्त इस सर्फेस का एरिया जो फ्लक्स आता है इस सर्फेस का, उसे हम लोग बी इंटू ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि सोलेनाइड के अंदर चेंजिंग आखिर आती क्यों है, तो सोलेनाइड के अंदर चेंजिंग इस तरीके से आती है कि हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई सिंपल सी कॉइल हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक और तरीके से निकलती है, लेकिन हमारे पास सोलेनाइड हो तो आपको मालूम होगा कि सोलेनाइड के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में फिजिक्स बुक 2 में एक पूरा टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है निकाली थी सोलेनाइड कॉइल की, जिसमें हमें पता चला था कि सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा म्यू नॉट एन इंटू आई के इक्वल होती है। यहाँ पर हमें म्यू नॉट एन आई के साथ लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि सोलेनाइड में हो सकता है थोड़ी सी वेरिएशन आई सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अंदर, क्योंकि ये जो है एक सिंपल कॉइल से डिफरेंट आ जाती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनाइड कॉइल के अंदर चूंकि वो बहुत डिफरेंट से लूप बनते चले जाते हैं, और सोलेनाइड को हम लोगों ने इस तरीके से एक स्फीयर कंसीडर करके उसके तीन डिफरेंट पैरामीटर्स आए थे, और सिर्फ एक उसकी जो साइड थी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आई थी, बाकी तो साइड के अंदर 90 आई थी जिन्होंने कैंसिल आउट कर दिया था, और एक साइड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर चल गई थी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जीरो हो गई थी। थोड़ा सा इस तरीके से हम लोगों ने उस केस को किया था, और हमें मालूम चला था कि जो बी की वैल्यू है वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एक टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से बी की वैल्यू हम लोगों ने प्लेस कर ली, और बी की वैल्यू जो है प्लेस करने के बाद यहाँ पे एन इंटू आई आ जाता है इस तरीके से। अब ये हमारी एक फॉर्म बन गई है, फाइनल फॉर्म, जिसे मज़ीद हम फाइनल करते चले जाते हैं। लेकिन हमें ये तो आइडिया हो जाता है ना कि अब हमारी सेल्फ इंडक्टेंस किस फॉर्म में निकलेगी, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। अगर मैं इन दोनों जगह आई को कैंसिल आउट कर दूँ तो ये भी आई कैंसिल आउट हो जाता है और ये भी आई कैंसिल आउट हो जाता है, और मेरे पास यहाँ पे जो है कैपिटल एन जो कि नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी का कांस्टेंट आ जाता है, स्मॉल एन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ के अंदर, यानी कि आपके पास कितनी ज़्यादा लेंथ है उस कंडक्टर की जिसके ऊपर आपने सोलेनाइड कॉइल को लपेटा हुआ है, और जो सोलेनाइड कॉइल लपेटी हुई है उसको किस फॉर्म में लपेटा है, कि सोलेनाइड कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो है उस कंडक्टर के ऊपर आते हैं, उस कंडक्टर को कवर करते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास स्मॉल एन आ जाता है। अब अगर मैं ये जो कैपिटल ए है इसके जगह पे ये फार्मूला लिखूँ, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा हमारे पास वेथ इंटू लेंथ होता है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये हमारे पास एल आ गया, और एल के साथ अगर मैं यूँ करूँ तो मुझे एल के साथ यहाँ पे वेथ लगानी पड़ेगी। लेकिन क्यों ना अपने फॉर्म को थोड़ा सा तब्दील कर लें, डब्ल्यू का हम लोगों ने क्या करना, हमें तो यहाँ पे सिर्फ एन से कंसर्न है, मतलब कि कैपिटल एन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स है, विड्थ का क्या हम करेंगे, वो तो एरिया के अंदर ही कवर हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं एरिया एज इट इज़ ही लगा दूँ और ये स्मॉल एन है, क्यों ना इस स्मॉल एन की जगह को रिप्लेस कर लिया जाए, या स्मॉल एन भी रहने देते हैं, हम लोग कैपिटल एन को ही रिप्लेस करते हैं, इसी को करके देखते हैं। अगर मैं कैपिटल एन की वैल्यू प्लेस करूँ तो कैपिटल एन जो है मेरे पास वो स्मॉल एन इंटू एल आ जाएगा। अगर मैं उसे यहाँ पे लगाऊँ कि एल इंटू आई के इक्वल है, तो यहाँ कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए इज इक्वल टू एल के आ जाएगा, और ये आई सॉरी यहाँ पे आई तो हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एल आ जाएगा। तो बेसिकली एल जो है वो इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू एन स्केयर, चूँकि ये भी एक एन है और ये भी एक एन है, तो ये एन का स्केयर बन जाएगा और ए इस तरीके से आ जाता है। तो ये वाला फॉर्म जो है ये बाकी फॉर्म से ज़्यादा जो है एप्लीकेबल है और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें हमें एन का स्केयर मिल गया, हमें ए की टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, और एल चूँकि हमें मालूम है कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उस कंडक्टर का एरिया कितना है, ये भी हमें मालूम चल जाएगा, चाहे आप इसकी जगह वॉल्यूम भी इस्तेमाल कर लीजिए, और एन स्केयर जो है ये हमें ये बता देता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो हमारे पास ये चीज़ भी आ जाएगी, और म्यू नॉट कांस्टेंट है उसके बारे में हमें मालूम है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस निकल आती है सोलेनाइड के बारे में। तो सोलेनाइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका जो बेसिक और जो सबसे ज़्यादा फाइनल फॉर्म है वो ये है कि वो हमेशा म्यू नॉट एन इंटू एन स्केयर इंटू ए के इक्वल होता है, ये इसका प्रोडक्ट है। हमारे पास जो है सोलेनाइड कॉइल का एरिया भी होता है, उसकी लेंथ भी एन स्केयर के बारे में भी मालूम होता है, और म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी कॉन्स्टेंट है इसके बारे में भी मालूम होता है,
तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस अपने सोलेनाइड कॉइल के बारे में निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि आया कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है हमारे पास प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा अच्छी निकलती है, या अगर प्राइमरी के कॉइल की जगह मतलब एक सिंपल कॉइल की जगह अगर सोलेनाइड कॉइल इस्तेमाल करें किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, अप्लाइंसिस के अंदर, तो क्या सोलेनाइड इस्तेमाल करने से इंडक्टेंस ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम लोग जो है सोलेनाइड की भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के देखते हैं कि ये कितनी वेरी करती है प्राइमरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस से। तो ये सोलेनाइड कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में था कि वो किस तरीके से वेरी करती है प्राइमरी कॉइल से और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि हमारे सोलेनाइड कॉइल का मटेरियल कैसा है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है और उसकी इस्तेमाल होने वाली लेंथ कितनी है।